अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है। और अभी मैंगो आए हुए हैं तो बच्चे तो फरमाइश करते हैं। तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी। अगर घर में आज कुछ भी नहीं है, आपके पास मैंगो है, चीनी है, दूध है, तो आप आराम से मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। और आप एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालेंगे तो और अब ज़बरदस्ती बनेगी। लेकिन आज मैं फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंगो, शुगर और थोड़ा सा मिल्क, इसको ग्राइंड करके मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनाऊंगी। तो मैंने ये चार मैंगो ले लिए हैं। अभी मैं इसको इसके पूरे बारीक बारीक छिलके निकाल लूँगी, उसके बाद इसके क्यूब्स काट लूँगी अच्छे तरीके से, और फिर इसको आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंगो के क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद ये हाफ कप शुगर है। शुगर आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपको मीठा चाहिए। वैसे आइसक्रीम मीठी ही अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मिल्क, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क डालेंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा जो है ना वो बनेगा। इसकी प्यूरी जो है वो थिक होनी चाहिए, क्योंकि वो आइसक्रीम जमेगी इस वजह से। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखें, ये थिक सी प्यूरी बन गई है। अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे और इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। फिर मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। हमें ऐसी इतना ही थिक जो है ना इसको रखना है, क्योंकि ये आइसक्रीम जमेगी। इसको टैप टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल लेवल पे आ जाए, और इसको अब फ्रीज कर देंगे। चलें, बस ये हमारी ये चीज़ रेडी हो गई है आइसक्रीम। अब जब फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर मैं आगे का इसका दिखाऊंगी कि किस तरह फ्रीज़ होके बनती है। ये हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम रेडी है। ये आपको 8 से 10 घंटे तक लाजमी फ्रीज़ करनी है। मेरे बेटे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बस मम्मा ले आएँ, तो मैंने इससे पहले ही निकाल ली है। फिर भी ये काफ़ी हद तक बन गई है। बहुत मज़े की बनी है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। उसको 8 से 10 घंटे आप फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल आइसक्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। और अगर आप क्रीम ऐड करना चाहते हैं तो फिर तो ज़बरदस्त है। चलिए जी, अब मैं श्वेत को देती हूँ, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मम्मा कब बनेगी कब बनेगी। तो अब फाइनली उसको हम दे देंगे।